are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। बाइनेंस के काउंटर टेररिस्ट ऑफिशियल्स ने रूल छोड़ा 2 साल बाद। सिंगापुर के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अब स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स से पैसिव इनकम कमा सकते हैं। crypto.com ने PSG66 टीम के साथ पार्टनरशिप किया BLVC के पेरिस फैशन कोलैब NFTs के लिए। फेल्ड $175 million रियल एस्टेट टोकन रेज ने टैक्सेस रेगुलेटर्स को नाराज। प्रोसिक्यूटर्स ने साउथ कोरिया में एक्स बेथम्स चेयर के अलेज्ड फ्रॉड केस में अपील फाइल की। फोर्थ विंड्स नेटवर्क ने थीरम और पॉलिगन को सपोर्ट में विस्तार किया। कैलिफोर्निया टैक्सेस ने GS पार्टनर्स पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को मिसलीड करने का आरोप लगाया। यूबीसॉफ्ट चैंपियंस टैक्टिक्स गेम के लिए फ्री थीरम NFTs देगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर्स फॉर सिक्योरिटीज रेगुलेशंस ने क्रिप्टो मार्केट्स के लिए पॉलिसी रिकमेंडेशंस पब्लिश किए। टेथर BTC माइनिंग में मेजर एक्सपेंशंस करने जा रही है $500 million का इन्वेस्टमेंट के साथ। व्हील अटैक ऑन आर्टिब्रम्स ने क्रिप्टो मार्केट में चिंता पैदा की। CBDCs अभी मेनस्ट्रीम के लिए रेडी नहीं है, कहते हैं मास्टरकार्ड के एक्सपर्ट। बाइनेंस का सीनियर काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल जेनिफर हिक्स ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को छोड़ दिया है। हिक्स ने इस महीने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को छोड़ा लगभग 2 साल बाइनेंस के साथ काम करने के बाद। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने सिंगापुर डॉलर या G10 इकोनॉमीज के अन्य करेंसी से बैक स्टेबल कॉइन्स के इश्यूअर्स को इन प्रिंसिपल लाइसेंसेस दिए हैं। यह अप्रूवल जल्द ही क्रिप्टो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को स्टेबल कॉइन होल्डिंग से पैसिव इनकम कमाने की अनुमति दे सकते हैं। स्पोर्ट्स फैशन और क्रिप्टो के फ्यूजन्स में मेजर क्रिप्टो फर्म्स crypto.com ने पेरिस सेंट जर्मन्स F.C और BLVC के पेरिस के साथ एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन किया है, जिससे फैंस को हाईली एंटिसिपेटेड फैशन कलेक्शंस तक अर्ली एक्सेस मिलने NFTs के थ्रू। टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड ने GS ब्रांड के अंतर्गत जर्मनी से ऑपरेट होने वाले कंपनीज के नेटवर्क पर फ्रॉडलैंड एक्टिविटीज का आरोप लगाया है, जो डिजिटल एसेट्स और एक प्रोप्राइटरी मेटावर्स में स्टेकिंग पूल में इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। साउथ कोरिया के प्रोसिक्यूटर्स ने लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज विथम के फॉर्मर चेयर ली जियोन होंग के अलेज्ड फ्रॉड केस में एक अपील फाइल की है। सियोल इकोनॉमिक डेली के मुताबिक प्रोसिक्यूटर्स ने थर्सडे को अपील हियरिंग में ली के लिए 8 साल जेल टर्म की मांग की। जुलाई 2023 में फोर्थ विंड ने अपना खुद का FTW ब्रिज पॉलीगन के लिए इंट्रोड्यूस किया था, जो अब थीरियम तक भी विस्तारित हो गया है। यूजर्स इस ब्रिज का यूज कर सकते हैं न्यू पर NEP-17 NEP टोकन्स और पॉलीगन और इथीरियम पर ERC-20 NEP टोकन्स के बीच स्वैप करने के लिए। कई US स्टेट्स ने GS पार्टनर्स को ऑपरेशंस बंद करने का ऑर्डर दिया है, उन पर आरोप लगाते हुए कि कंपनी ने इन्वेस्टर्स को कई तरह के क्रिप्टो स्कीम्स में डिफ्रॉड किया है, जिसमें दुबई स्काई स्क्रैपर्स के टोकनाइज हिस्से और मेटावर्स प्रॉपर्टी के स्टेक शामिल हैं। जब मेगा पब्लिशर यूबीसॉफ्ट ने 2021 में घोस्ट रिकॉन बिग पॉइंट में टेजॉस NFTs ऐड किए थे, गेमर्स ने नाराजगी जताई थी, लेकिन असासिन्स क्रीड और जस्ट डांस के पीछे की कंपनी ने ब्लॉकचेन टेक पर ठंडा नहीं हुआ। वो अपने आने वाले गेम के लिए फ्री थीरम NFT मिंट करने का प्लान कर रही है।